फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 10 बोले ना, फॉर्मेट याद है तुम लोग को? तो एक क्लास में अगर फॉर्मेट भी याद हो गया है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्लियर? सबसे पहले एक कॉलम, फिर इसको पूरा बीचों बीच लाइन खींच दोगे, है ना, पूरे पार्ट को बीच वाले मिडिल, इधर एक कॉलम डेट का, इधर एक कॉलम डेट का, है ना, और पूरा बीचों बीच क्या करोगे, पूरे पार्ट को तीन भागों में डिवाइड कर दोगे, बड़ा पार्ट और छोटा पार्ट। अब इसको चार भागों में डिवाइड करना है, चार भागों के लिए तीन लाइन खींचना पड़ेगा, है ना, कितना इजी से बता रहे हैं। लो, इसमें सिर्फ दो लाइन, ये ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा, किसका, स्टोर लेजर का। क्या बना रहे हैं अपने, स्टोर लेजर। क्लियर? कौन सा मेथड अभी सीख रहे हैं हम लोग, फिफो। ये किसका कॉलम है, डेट, ये परचेज बोल सकते हो या फिर इसको रिसीट बोलो, समझ आया, ये इशू है और ये है बैलेंस। क्लियर? इसमें GRN गुड्स रिसीप्ट नंबर, फिर इसमें क्वांटिटी, इसमें रेट और इसमें अमाउंट, फिर इसमें SR नंबर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। बैलेंस में सिर्फ तीन चीज़ होता है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और ये होता है किसका कॉलम, रिमार्क का। चलेगा? अब आओ, 10 तारीख, 10 नंबर, क्या बोला है, ऑन 2018 जुलाई 1 बैलेंस बॉट डाउन 900 यूनिट ऑफ 3 रुपीज़ 30 पैसा। डेट जुलाई 1, हम लोग का बैलेंस है, परचेज नहीं किए हैं ना सेल किए हैं, है ना, कितना पीस है, 900, 3.30 कितना हुआ बोलो तो, 2970, है ना, इसको क्या बोलेंगे अपने, ओपनिंग स्टॉक। चलेगा इसमें कोई डाउट, है ना। फिर क्या बोला है, परचेज 400 यूनिट परचेज किए हैं जुलाई कितना को, 6, 400 यूनिट कितना करके, 4.20 बना लियो क्या देवी, इधर देखो, इधर 4.20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1680, है ना, चलेगा यहाँ तक। अब देखो, मेरे पास पहले से गोडाउन में था 900 और 400 और आया, अच्छा ये 900 का रेट क्या था, 3 रुपया 30 पैसा, और ये 400 का रेट क्या है, 4 रुपया 20 पैसा, तो ये हो गया 2970 और ये हो गया 1680। चलेगा? इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या किए अपने, इशू किए हैं 1000 यूनिट, कितना तारीख को, 11 जुलाई को, है ना, कितना यूनिट इशू किए हैं, 1000। अब बताओ, क्या इसमें से 1000 इशू कर सकते हैं अपने, इसमें से कितना इशू करेंगे, 900, और इसमें से कितना इशू करेंगे, 100, तब तो जाके 1000 होगा। मतलब हम जब इशू कर रहे हैं तो क्वांटिटी निकाल रहे हैं 900, 3 रुपया 30 पैसा वाला, और 100 इशू कर रहे हैं 4 रुपया, तो सब खत्म हो गया गोडाउन का सामान, नहीं, ये सामान खत्म हो गया 2970 वाला, और ये सामान 420 का खत्म हो गया। अभी भी तो मेरे पास 320 सामान क्या है, बचा हुआ है, कितना रुपया वाला, 4 रुपया 20 पैसा, तो 1260। फिर क्या कर रहे हैं अपने, इशू का फिर से इशू कर रहे हैं, कितना यूनिट, तो अब मेरे पास एक ही टाइप का स्टॉक है, तो जो भी इशू करेंगे उसी स्टॉक में से करेंगे, है ना, तो जुलाई कितना तारीख, 16 को इशू कर रहे हैं, कितना यूनिट, 200, कितना वाला, 4 रुपया 20 पैसा, 8 रुपया 840, बचा कितना, 100 यूनिट, 4 रुपया 20 पैसा वाला, तो 400, समझा मनु, 420, ठीक। उसके बाद 19 को देखो, रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर 80 यूनिट इशूड ऑन 11 जुलाई, बोला है कि 80 यूनिट हम लोग का रिटर्न आ गया है, किसमें का,
जो 11 जुलाई को इशू किए थे उसमें से, तो रिटर्न ना हम इसमें से लेंगे 4 रुपया 20 पैसा, क्योंकि अभी मार्केट में कौन सा चल रहा है 4 रुपया 20 पैसा। तो कितना तारीख वाला, कितना तारीख को रिटर्न आया, 19 तारीख को रिटर्न आएगा। तो हम लोग रिसीव करेंगे कि रिसीव देंगे, करेंगे हम लोग, दिए थे वो रिटर्न कर दिया। ऐसे सोचो ना कि 11 तारीख को क्या हुआ था, इशू किए थे और रिटर्न हो रहा है, तो ये इशू वाला ही रिटर्न हो रहा है। तो मेरे पास सामान आएगा 80 यूनिट 4 रुपया 20 पैसा वाला, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 336। अब मेरे पास कितना यूनिट हो गया, 180 यूनिट हो गया है ना, 4 रुपया 20 पैसा वाला, तो होगा 756। उसके बाद देखो नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है ना, 26 तारीख मत करने लगना। अ सरप्लस ऑफ 20 यूनिट वे नोटिस्ड ऑन जुलाई 21, 19 के बाद और 26 से पहले 21 जुलाई आता है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है कि हम लोग को 20 यूनिट फोकट में मिल गया। कितने यूनिट, तो अभी रेट क्या चल रहा है मार्केट में, 4 रुपया 20 पैसा है ना। तो हमको जो सरप्लस हुआ तो उससे स्टॉक बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, मैंने रिसीव हुआ कि इशू किए, रिसीव किए, कितना यूनिट 20 यूनिट, कितना वाला 4 रुपया 20 पैसा वाला, तो 84 रुपीज़, कितना रुपीज़, उधर कहाँ देख रही हूँ माते, वो आंखें टेढ़ा है तुम्हारा 200 है ना, 4 रुपया 20 पैसा 840, ये 200 कैसे हो गया, 180 था 20 और आया तो हो गया 200। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 26 तारीख को फिर से 25 किए, 800 यूनिट, कितना रुपया वाला 4 रुपया 50 पैसा है ना, कितना हो जाएगा बोलो, 8 चौके 32, 32 और 4 36 शायद है ना, 3600। तो मेरे पास दो स्टॉक है, एक 204 रुपया 20 पैसा वाला और 804 रुपया 50 पैसा वाला, तो ये हो जाएगा 840 और ये हो जाएगा 3600, चलेगा। फिर क्या है, इशू कर रहे हैं, कितना यूनिट, कितना तारीख को 30। अब 500 इशू करेंगे तो किस में से कितना इशू करेंगे, ऊपर वाला में से 200 पूरा इशू कर देंगे 4 रुपया 20 पैसा वाला, और नीचे वाला में से 300 इशू करेंगे 4 रुपया 50 पैसा वाला, कितना आएगा ये 840 और ये कितना आएगा 12 और 13,50, 1350, इसमें से 300 चला गया, कितना बचा 500 यूनिट, कितना रुपया करके, तो शायद 2250। अब देखो ये क्या है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, देखो कहीं कहीं सरप्लस हुआ था तो यहाँ पे लिख दोगे सरप्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे रिटर्न है ना, जो जो रिमार्क होगा वो उसको क्या कर दोगे नोट डाउन कर दोगे, इसको क्या कर देंगे कपड़ा पहना देंगे, टोटल करने की जरूरत नहीं होता है, एक बार कॉपी कर लो। सरप्लस हमेशा ध्यान, अच्छा शॉर्टेज रहता तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसीप्ट एंड इशू ऑफ द मटेरियल इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द मंथ टू मे 2019, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1000 यूनिट, कितना रुपया वाला 5 रुपया, मे 2 है ना, 5000 क्वांटिटी है, कितना 1000 क्वांटिटी है 5 रुपीज वाला, हो जाएगा 5000, ये क्या है मेरा ओपनिंग स्टॉक, चलेगा ओके, दिख रहा है तुम लोग को, ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं अभी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, देखो इशू किए हैं 7 तारीख को है ना, मई 7 इशू में कितना यूनिट इशू किए हैं 140 यूनिट इशू किए हैं, कितना कर गए 5 रुपया है ना 700, तो मेरे पास यहाँ से 140 चला गया तो कितना बचा 860 यूनिट बचा 5 रुपया वाला, कितना हुआ 4300। फिर क्या कर रहे हैं, फिर इशू कर रहे हैं कितने तारीख को 10 को, कितना यूनिट 200 यूनिट 5 रुपीज करके 1000, तो 660 यूनिट 5 रुपीज करके 300 का, फिर क्या कर रहे हैं कितना तारीख को 13 को 160 यूनिट, कितना करके 5, कितना हो गया 800,
500 यूनिट बचा 5 रुपीस करके 2500 का है ना। अब क्या बोल रहा है, रिसीव फ्रॉम सप्लायर 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.90 होगा वो, बताया थे क्या? नहीं कॉमन सेंस होना चाहिए, बताए थे तो भी ठीक है, नहीं बताए थे तो भी कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए। पांच का चीज के बाद एक बार 34 रुपए में चल जाएगा। 18 तारीख को रिसीव किए हैं 400 यूनिट, 4.90 रुपया वाला कितना हो गया 1960। तो मेरे पास दो यूनिट हो गया 505 रुपीज वाला और 400 4.90 वाला, 2500 और 1960। फिर देखो रिटर्न टू स्टोर है, मतलब स्टोर में गोडाउन में सामान क्या हो रहा है, आ रहा है। 19 को कब है, 21 को ना आ रहा है, रिटर्न टू स्टोर है तो 30 यूनिट आ रहा है 4 रुपया। और अच्छा ये बताओ कभी ना कभी ये इशू किए होंगे तभी रिटर्न आ रहा है, और ये इशू जरूर है कि यहाँ तो नहीं किए हैं, ये इशू इससे पहले किए होंगे है ना। तो ये पुराना स्टॉक है कि नया स्टॉक है, तो बहुत पुराना स्टॉक है, इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसको तुरंत बेच के क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा नहीं तो खराब हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ये कि स्टॉक किसका है, कब का है, बहुत पुराना है, वो दिए थे बेचे थे वापस रिटर्न आ गया है ना कोई कारण बस। कितना हुआ एक बार बताओ मल्टीप्लाई करके, 144। अब मेरे पास अब देखो स्टोर कैसे लिखना है, 30 यूनिट है 4.80 रुपया वाला, 500 यूनिट है 5 रुपया वाला और 400 यूनिट है 4 रुपया। क्यों ऊपर लिखे उसको, क्योंकि स्टॉक क्या है वो पुराना स्टॉक है, तो हमको जब इशू करना होगा तो पहले पुराना वाला बेचेंगे फिर नया वाला बेचेंगे, चलेगा है ना। तो यहाँ पे आया 144 2500 और ये 1960। एक बार के लिए इसको ऐसे कपड़ा पहनाते हैं ठीक है, मतलब जैसे ऐसे ऐसे लाइनिंग भी कर सकते हो डिफ्रेंशिएट के लिए, अच्छा लगता है देखने में, अच्छा लगता है लेकिन फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्मेट में कहीं कहीं करता है कहीं कहीं नहीं करता है, इट्स बेटर कि नहीं करना है ना, इमेजिनरी लाइन रखना हो आप पे। कौन सा लाइन, उसके बाद क्या है बोलो, 25। ऐसे क्या होता है ना कि लाइनिंग वाइनिंग कर देंगे ना तो एक डिवीजन हो जाता है, क्या हो जाता है डिवीजन हो जाता है कि किसका कौन सा है। 25 को कितना है 360 यूनिट कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो 30 ऊपर में से लेंगे और बाकी का 330 नीचे में से है ना, 4.80 रुपया वाला और 5 रुपया वाला, ये तो 144 होगा, ये कितना होगा 1550 1650 है ना, इसमें से चला गया ये तो बचा कितना 170 इसका और 400 इसका। नहीं समझ आया, क्योंकि पुराने स्टॉक तो यही था ना, तो बेच के पहले उसको निकालेंगे फिर इसमें हाथ डालेंगे ठीक है। बोल कितना आया इसमें मल्टीप्लाई करके, 850 ये 960। उसके बाद क्या है, रिसीव कर रहे हैं ना कितना तारीख को 31 को 480 यूनिट, 4.95 कर दें कितना हुआ 2378। तो 170 400 480 टोटल करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा क्लोजिंग कॉस्ट। क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर लिफो मेथड है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ पे फिफो नहीं होगी क्या होगा लिफो होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक शुभम क्या दिया हुआ है, Feb 1 कितना फिगर है 800 यूनिट है, बैलेंस है ना ये, तो ये 800 यूनिट है 10 रुपीज करके 8000 हो गया है ना। फिर Feb 4
मेरे पास 300 यूनिट परचेस किए हैं 1.25, कितना आया मल्टीप्लाई करके 3375 है ना। मेरे पास 800 का स्टॉक पहले से था 10 रुपया वाला, और 300 यूनिट का स्टॉक और आया 11 रुपया 25 पैसा वाला, तो 8000 ये हो गया और 3375 ये हो गया। फिर 10 फरवरी को हम लोग इशू कर रहे हैं, कितना यूनिट 1000, तो 1000 इशू करने के लिए डीफो में हमको पहले नीचे से लेना पड़ेगा, तो 300 इशू करेंगे 11.25 करके और 700 इशू करेंगे 10 करके 3375, और ये हो जाएगा 7000। आवाज किसका आ रहा है, 100 यूनिट मेरे पास 10 रुपीज वाला बच जाएगा 1000 का, है ना। फिर फरवरी 10 के बाद फरवरी 14 को हम क्या करेंगे, 1400 यूनिट परचेस कर रहे हैं 11 रुपया 40 पैसा करके, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 15960। तो मेरे पास 100 यूनिट पहले से था 10 रुपया वाला, और 1400 यूनिट पहले फिर आया 11.40 करके 1000 और 15960। फिर हम लोग 16 को इशू किए हैं, Feb 16, कितना यूनिट इशू किए हैं 950। सोचो यहाँ पे तो 1400 है ना, पूरा 950 हम यहीं से इशू कर सकते हैं, कितना है मल्टीप्लाई करके 0830। तो यहाँ पे 100 यूनिट एज यूजुअल बचा हुआ है, इसमें से 950 यूनिट चला गया, तो 450 यूनिट बचा हुआ है 11 रुपया 40 पैसा वाला, तो यहाँ पे हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके 1000, इसका मल्टीप्लाई करके तुम 530। ठीक है, फिर फरवरी 16 हो गया, फिर 24 फरवरी को हम लोग 600 यूनिट बोले थे ना उसको, 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 11.60 कितना आया 6960। तो मेरे पास अब 3 स्टॉक हो गया, 100 450 और 600, कितना कितना करके 10 11.40 और 11.60, फिगर आएगा 1000 5130 और 6960। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, 25th को 800 हमको इशू करना है। अब सोचो 800 अगर हमको इशू करना है तो क्या 800 हम इसमें से ले सकते हैं पूरा, नहीं ना, ये पूरा 600 जाएगा और 200 ऊपर वाले में से जाएगा, 600 11.60 करके और 200 11.40 करके, तो यहाँ पे आएगा 5 ये 6960 2280 2280 2280। ठीक, तो यहाँ पे 100 यूनिट बच गया 10 रुपीस वाला, और यहाँ पे 250 यूनिट बच गया 1140, और ये मल्टीप्लाई करके 1000 हम निकाल देंगे, ये तुम लोग बताओ 2850, ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, है ना। लिफो मेथड हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को तुम लोग लिफो मेथड करके आओगे, ठीक है। देखो उसमें भी 35.40 दिया हुआ है,